जम्मू विश्वविद्यालय के प्रशासन ने फैसला किया है कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज के जो फाइनल सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो 15 सितंबर से शुरू होंगी। इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर विनय ठुसू। डॉक्टर ठुसू, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बताइए कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो ये फैसला लिया है कि 15 सितंबर से जो है आखिरी सेमेस्टर के जो परीक्षाएं हैं वो शुरू होंगी, तो ये परीक्षाएं कैसे होंगी, क्या दिशा निर्देश हैं, इस बारे में हमें जरा आप ज्यादा जानकारी दीजिए। आपको पता ही है इसके ऊपर एक यूजीसी की एक गाइडलाइंस आई थी, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में भी मसला चला गया था, सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट हो गया आ गया था कि ये जो टर्मिनल एग्जामिनेशन है जिसको हम एंड एग्जामिनेशन भी कहते हैं कि वो करवाने हैं, जरूरी है यूनिवर्सिटीज को। इसी डायरेक्शन को देखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने कल इस चीज को नोटिफाई किया है। तो चूंकि अब परीक्षाएं 15 सितंबर से शुरू होंगी, तो ये क्या ऑफलाइन होंगी, ऑनलाइन होंगी, या बच्चों को परीक्षा केंद्र में आना पड़ेगा और ये पेन पेपर के हिसाब से? पेन पेपर से होगा। पहले आपको पता ही होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी जम्मू ये सबसे बड़ी और पुरानी यूनिवर्सिटी है। जब हम एफिलेटेड कॉलेज की बात करते हैं तो हमारे जो रीच है वो अप टू पुंछ तक है। जब ये पुंछ तक है तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो रिमोट एरियाज में है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास जो है एंड्रॉयड फोन्स नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है, ऐसी कोई माध्यम इंटरनेट का मसला है वहां पर। तो इसलिए इन चीजों को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो है पेन एंड पेपर के मोड में जाएंगे। क्योंकि हमने सोशल मीडिया पर देखा है कि पिछले कुछ दिनों से ना कई लोग जो हैं, खासतौर पर छात्र वर्ग है, वो कह रहा है कि अगर कश्मीर में जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है या जम्मू कश्मीर में जो बाकी विश्वविद्यालय हैं, चाहे श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी हो, उन लोगों ने निर्णय लिया है कि वो जो है ये परीक्षाएं ऑनलाइन के जरिए करेंगे, लेकिन जम्मू विश्वविद्यालय ने भी अब फैसला किया है कि आप लोग जो है ऑफलाइन करेंगे, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू उससे भी ये फैसला किया है ऑफलाइन करेंगे, तो छात्रों में काफी रोष है, कह रहे कि इस समय महामारी फैली हुई है तो बेहतर होता अगर ये ऑनलाइन ही ये जो परीक्षाएं होती। आपका कहना बिल्कुल सीख है, लेकिन आप जब आप जम्मू यूनिवर्सिटी और किसी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी को कंपेयर करते हैं इसमें बहुत फर्क है। हमारी जो जम्मू यूनिवर्सिटी के जितने एफिलेटेड कॉलेजेस है इतने सारे हैं कि ये करवाना, ऑनलाइन करवाना बहुत ही मुश्किल है, बच्चों को भी बहुत देखना। और जैसे आपने श्री माता वैष्णो की बात की या कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात की, कश्मीर यूनिवर्सिटी में तो अभी टर्मिनल एग्जाम तो होने नहीं है, जो बाकी सेमेस्टर की आप बात कर रहे क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो, उनका तो अभी एग्जाम कश्मीर में तो होना ही नहीं है, इनका तो अभी एग्जाम होगा नवम्बर दिसंबर के आसपास। बाकी तो हमारा वैसे ही चल रहा है, इंटरमीडिएट के लिए तो हमारा वैसे ही सब कुछ चल रहा है। तो ये सब जो है, अगर माता वैष्णो की बात करें वहां इतने बच्चे नहीं है जिनको एग्जाम कंडक्ट करना है, तो उनका तो पॉसिबल है। अगर हमारे भी इतना स्ट्रेंथ होता तो शायद हम भी ऑनलाइन मोड में जाते। ये हमारे स्ट्रेंथ इतना है, बच्चे इतने दूर दराज के हैं और हमने डायरेक्शंस पूरे दिए हैं जितने भी हमारे साथ कॉलेज जुड़े हैं कि वो पूरा एसओपीज फॉलो करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सेंटर्स बनाए गए हैं, जितने भी गाइडलाइंस है वो पूरे फॉलो करके बच्चों को ख्याल रखा जाएगा। डॉक्टर विनय ठुसू, आपने जिस तरह से कहा कि कोविड के विषय में जो गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है, वो उनका पालन होगा, उस मुद्दे पर मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे बताइए कि आपका जो इस समय जो फैसला हुआ है विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा, उसके अनुसार प्रश्न पत्र जो है यानी कि क्वेश्चन पेपर जो होगा उसमें भी कुछ बदलाव हो रहा है ताकि जो छात्र छात्राएं उनको सुविधा हो इस बार, तो उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए कि प्रश्न पत्र के जो फॉर्मेट है उसमें क्या बदलाव है। बदलाव तो यही है कि पहले अब 40% ही उनको बच्चों ने अटेंड करना है, और जो मुझे जितनी जानकारी है उस हिसाब से अब हम जो है जो पहले ये सोचा जा रहा है कि अगर उनका जो टाइम लिमिट है पेपर का जो पहले होता था वो भी थोड़ा कम किया जाएगा। बच्चों के लिए बहुत सारी रियायतें इस बार दी जा रही है, यानी कि जितने प्रश्न जो हैं प्रश्न पत्र में होंगे उसमें केवल 40% जो प्रश्न है उन्हीं के ही उत्तर देने हैं। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा जी, तो मतलब इसको थोड़ा आसान बनाया गया है क्योंकि इस समय महामारी है, छात्रों को वो भी काफी स्ट्रेस है और काफी पढ़ाई का भी नुकसान हुआ है। जो हम भी एक सिस्टम में ही रहते हैं तो वी ऑल्सो नो द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स, हमें पता है प्रॉब्लम्स हो रही है, हमारे बच्चे स्कूल्स कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम्स को देख के ये कोई हमने कोई आउट ऑफ ब्लू कोई फैसला नहीं, इसके ऊपर बहुत सारी डेलिब्रेशंस हुई हैं। जैसे आप अभी हमारे पास आए तो ये आपने यहां देख रहे थे वही मीटिंग, उनके ऊपर ही मुद्दों के ऊपर मीटिंग्स चल रही है,
और इन्हीं मुद्दों को देख के ही एक जो हमारे एक बहुत बड़ी मीटिंग्स इसके पर होती रहती है, हाई लेवल मीटिंग्स होती रहती है, प्रशासन पूरा इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, उसको देख के ये सारा फैसला लिया गया है। अच्छा, जो परीक्षा केंद्र होंगे यानी कि 15 सितंबर से जब परीक्षाएं शुरू होंगी, छात्र छात्राएं जो है परीक्षा केंद्र में आएंगे, तो क्या एसओपीज होंगे, क्या जो है वहां पर जो दिशा निर्देश हैं क्या रहेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होगा, क्योंकि ये भी ध्यान रखना बड़ा आवश्यक होगा कि कहीं इन्फेक्शन का संक्रमण ना ज्यादा फैले, तो क्या क्या एहतियात बरतने जा रही है यूनिवर्सिटी? अब ये सबसे बड़ी बात है कि हम अभी जो जितनी भी गाइडलाइंस है, सबसे बड़ी बात जब से ये मार्च एंड से शुरू हुआ अभी तक तो हम सारे इस चीज से सेंसिटाइज हो चुके हैं कि हमने क्या क्या एसओपीज फॉलो किया, हमने क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। उन एसओपी जितनी भी गाइडलाइंस हमारी यूटी से आती है, हेल्थ डिपार्टमेंट से आती है, उन सबको फॉलो करके एक जो बच्चों के बीच डिस्टेंस होना चाहिए वो सब फॉलो की, जब वो बच्चे अंदर जाएंगे वो प्रॉपर सेंसिटाइज करके जाएंगे, वो सारे एसओपी जितने भी कोविड रिलेटेड है वो सारे फॉलो किए जाएंगे इसके ऊपर। आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे जम्मू विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर विनय ठुसो, और इनका साफ कहना है कि जो परीक्षाएं होंगी 15 सितंबर से उसमें जितने भी कोविड के विषय को लेकर जो दिशा निर्देश है उनका सख्ती से पालन होगा, और साथ ही में उन्होंने इस बिंदु पर भी जो है सफाई दी है कि कई जो छात्र छात्राएं हैं जिनका कहना है कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन होनी चाहिए थी, तो इनका कहना है कि जम्मू विश्वविद्यालय जो है बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, इसके जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं बहुत दूर दूर तक है, पुंछ जिले तक है, तो हर जगह ये संभव नहीं होगा कि ऑनलाइन की परीक्षाएं करना, तो इसीलिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि ये परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी यानी कि पेन पेपर के जरिए ही होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।